टेस्टी फूड रेसिपी हब में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके लाए बहुत ही क्विक स्नैक की रेसिपी, जनरली जिसे हम मार्केट से ख़रीदा करते हैं, पर जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मार्केट से भी अच्छा टेस्ट आपको घर पे ही देगी। दिवाली पर बहुत सारे काजू इस टाइम पर रखे होते हैं, तो दिवाली वाले काजू को हमने किस तरह से यूज़ किया आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग हमने यहाँ पे 1 कप बड़ा वाला जो आता है नापने के लिए जनरली, उसको हमने यहाँ पे फुल करके अच्छे से ले लिया था और हमने उसी के साथ इसको बनाया है। इसके लिए क्या करना है आपको कि कढ़ाई ले लीजिए या फिर एक पैन ले लीजिए, उसमें घी को हीट कर लीजिए। घी एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, इसीलिए आपको घी को अच्छे से गर्म करके साइड कर लेना है, या फिर उसमें हल्का ऑयल मिला लें। ऑयल मिलाने से घी एकदम जलता नहीं है। देखिए, इसका पास का लुक मैं आपको दे देती हूँ। बहुत अच्छे स्नैक आपको बन के तैयार होता है काजू का। जब भी कोई गेस्ट आए तो इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 कप काजू को हमने घी में डाल दिया है। कुछ इस तरह से इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मेरा कैमरा जो है इस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑफ हो गया था, तो मैंने कुछ टाइम के लिए इसको भून लिया है और कलर देखिए एकदम से चेंज हो चुका है। इसी में आप इसको लगभग काला नमक या फिर आप इसमें 1/2 टीस्पून के अराउंड नॉर्मल नमक डाल देंगे। अगर दोनों को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो टेस्ट और बेहतर आएगा। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च को स्प्रिंकल कर देना है। काली मिर्च हम जब डालते हैं तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। यहाँ पे नॉर्मल कैच का चाट मसाला हमने लिया है। बस ये 3 चीज़ों से ही आपके काजू जो है ना, बहुत ही अच्छे बनके तैयार हो जाते हैं। तो इसको बस आपको ध्यान रखना है, धीमी आंच पर कुछ देर के लिए भूनते रहना है, क्योंकि जब मार्केट से हम लेते हैं काजू को तो क्या होता है, वो ऑयल में फ्राइड होते हैं या फिर ऑयल में भुने हुए होते हैं, जिसमें पाम ऑयल का भी यूज़ होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप घर पे इसको बटर में या फिर देसी घी में रोस्ट कर सकते हैं। आप पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बाद में घी ऐड कर सकते हैं, या घी थोड़ा सा हल्का गर्म करके फिर इसमें आप काजू डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आपका चाट मसाला और दोनों तरह का नमक, काला नमक और नॉर्मल नमक को इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं गैस पर इसको चढ़ा के साइड कर ले रही हूँ ताकि एकदम से जले नहीं। बहुत धीमी आंच पे हमने इसको रोस्ट किया है और ये काजू देखिए गिर भी गया है, तो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसा बन रहा है। अब इसको जैसे ही ये नॉर्मल हो जाए, इसका वेट करें। अब जितना देर इसको थोड़ा हल्का सिकने देंगे ना, उतना अच्छे से फ्लेवर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ध्यान रहे, जब भी आप इसको बना रहे हैं, आपको स्टोर करके रखना है अगर, तो एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। दूसरी बात का ये याद रहे कि इसको तब तक स्टोर नहीं करना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई में अच्छे से ये देखिए हीट हो चुके हैं। मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब ठंडा होने के बाद इसके मसाले आपको अच्छे से विजिबल होंगे, क्योंकि ड्राई हो गया और इसके जो घी है वो भी एब्जॉर्ब हमारे काजू ने कर लिया है। तो बस इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। गेस्ट आ रहे हैं तो गर्मा गर्म सर्व कीजिए, नहीं आ रहे हैं तो हम आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं। इसको हम थोड़ा ठंडा होने के बाद में एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसे ही इजी स्नैक्स की और बहुत सारी फूड रेसिपीज़, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ मैं आपके लिए डेली लाती हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब पर, साथ ही साथ फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, जहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज डेली आपको मिलेंगी, हेल्थ टिप्स मिलेंगे, टेस्टी फूड रेसिपी आप पर, फिर डाइट फॉर योर फूड पर, साथ ही साथ सेहत डिलाइट पर। तो हमें ज़रूर फॉलो एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब, फेसबुक, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर। हम ट्विटर पे भी अवेलेबल हैं, तो बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहें हमारे चैनल्स पर। बस ये ठंडा हो गया है, अब मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है और इस जार में मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब इतना टेस्टी लग रहा है, इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना, मैं तो उसको साथ साथ ही इंजॉय करती जा रही हूँ। तो आप भी ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें। इस तरह की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो एंजॉय दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक। बाय बाय।